मामला जालौन जिले के जालौन कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां उस समय अजीब सी स्थिति हो गई जब वकीलों ने मुंसिफ कोर्ट के सामने जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस संबंध में जब वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से न्यायालय के आसपास से कई मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं और आज एक चोर को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया और कोतवाली में ले जाकर पुलिस के सुपुर्द किया तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। इसी बात से नाराज होकर वकीलों ने मुंसिफ कोर्ट के सामने जाम लगा दिया और नारेबाजी कर दी। जाम की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और वकीलों से मान मनवल कर जाम खुलवाया। मुंसिफ कोर्ट के बाहर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं अधिवक्ता और मुवक्किलों की, उनमें से दो गाड़ियां चोरी हो गई हैं। तीसरी गाड़ी आज ले जा रहा था, इसको मैंने चोर को पकड़ा और इसी संबंध में हम कोतवाली वहां गए। जब कोतवाल साहब को हमने अवगत कराया तो उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और ये कहते रहे कि हम अभी बंगले से आ रहे हैं, अपने कमरे से आ रहे हैं और हम देखते हैं उसको, देख क्या करते हैं, आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। कोर्ट तरीके से चोर को पकड़ के कोर्ट कैंपस में कर लिया, कोर्ट कैंपस में कर लिया, इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया, नहीं आए। कब मजबूरी उसको लेके सब लोग वहाँ कोतवाली गए तो वहाँ मिसबिहेव किया, ये गलत नहीं है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ये। और उस चोर को जो पकड़ा गया उसकी जेब में से चाकू और मिर्ची का एक पाउडर पैकेट बरामद हुआ और मास्टर की चाबी कई बरामद हुई, मास्टर चाबियां कई बरामद की गई है। इंस्पेक्टर तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो गाड़ियां गई उसको बरामद की करवाया जाए और जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कोतवाल का ट्रांसफर किया। पुलिस की बर्ताव रहा हमारे अधिवक्ताओं के साथ में जो कि बहुत ही निंदनीय रहा है। हम लोग अपनी समस्या के साथ में चोर को पकड़कर थाने ले गए तो कोतवाल साहब का कहना है कि मैं आज के आज आप लोगों की गाड़ी बरामद कर दूं, जबकि हम लोग चोर को उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारी दो गाड़ियां चोरी हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसका ही हाथ है, उससे बरामद किया जाए। उन लोगों का पुलिस विभाग का हम अधिवक्ताओं के प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं रहा, जो कि आज कहीं ना कहीं उनकी वर्दी से कहीं ना कहीं उसी चोर के साथ में संलिप्त होने की बू आ रही है। इस बात से हम अधिवक्ताओं का आज आक्रोश है तो निवेदन यही है कि इंस्पेक्टर महोदय का जालौन से ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद जालौन से देवेश स्वर्णकार की रिपोर्ट।